बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे सियासी दलों ने सूबे का माहौल गर्मा दिया है। जेडीयू और बीजेपी सरकार के काम को जनता के सामने रखने की योजना बना रहे हैं, तो वहीं पीके सत्ता पक्ष को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। लेकिन अब एनडीए के सहयोगी दल ही प्रशांत किशोर की तारीफों के पुल बांधने में लगे हैं, जिससे एनडीए की जीत की राह मुश्किल हो सकती है। तो कौन हुआ पीके का मुरीद, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कभी बेहद करीबी रहे प्रशांत किशोर को जब से जेडीयू से बाहर किया गया है, तब से विपक्ष के साथ ही पीके के शब्द बाण भी सत्ताधारी जेडीयू पर चल रहे हैं। लेकिन जेडीयू भी उनकी काट के लिए रणनीति बना रही है। लेकिन अब नीतीश की खामियों को उजागर करने वाले पीके की एनडीए की सहयोगी एलजेपी जमकर तारीफ कर रही है। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने उनका राजनीति में स्वागत किया है। दरअसल चिराग पासवान से जब पूछा गया कि राजनीति में नए चेहरे जन्म ले रहे हैं में प्रशांत किशोर का नाम भी शामिल है, इनको किस रूप में देखते हैं, तब चिराग पासवान ने कहा कि प्रशांत किशोर का मैं स्वागत करता हूं। जितने भी ऐसे लाइक माइंडेड लोग हैं जिनकी सोच बिहार के विकास की है, ऐसे हर व्यक्ति का मैं स्वागत करता हूं। चिराग ने कहा कि जो लोग हमारे बिहार को जाति धर्म और मजहब की राजनीति से मुक्त कराकर विकास के अगले पायदान पर लेकर जाना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जेडीयू और एलजेपी दोनों ही दल शामिल। ऐसे में चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर की पहली बार खुलकर तारीफ की है और स्वागत किया है, जबकि जेडीयू और बीजेपी प्रशांत किशोर को लेकर लगातार आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं और खुलकर आलोचना भी कर रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान के प्रशांत किशोर की तारीफ करने और राजनीति में स्वागत करते हुए सोच मिलने की बात करने से बिहार की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है, जिसके बाद अब देखना होगा कि उनकी ये तारीफ आने वाले दिनों में सूबे की सियासत में क्या नया मोड़ लेकर आती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।